आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एडमायर कीटनाशक के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर जानकारी देंगे, ये कैसे काम करता है और कौन कौन सी फसल में इसको डाल सकते हैं, कितना इसका डोज होता है, कितनी कीमत होती है और कौन कौन से कीटों की ये रोकथाम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एडमायर जो कीटनाशक है इसका टेक्निकल नेम क्या है। तो इसमें टेक्निकल होता है इमीडा क्लोरोपेट, 70% WG फॉर्म में होता है और ये एक सिस्टेमेटिक कीटनाशक है। सिस्टेमेटिक का मतलब ये कि पूरी पौधे की पूरी बॉडी में जाकर काम करता है। मान लो आपने ऊपर स्प्रे किया तो ये रूट तक जाकर काम करेगा, यदि आपने जड़ों में इसकी ड्रिंचिंग की तो ये पौधे के पूरे तनों में जाकर काम करेगा। और दूसरा इसकी एक खासियत है दोस्तों, यदि आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हो, पत्तों में ऊपर से स्प्रे हुआ तो ये नीचे तक आसानी से चला जाता है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है। ये एफेट, जैसेट, थ्रिप्स और फूड ग्रोअर को हल्का फुल्का कंट्रोल कर लेता है। बाकी एफेट, जैसेट और थ्रिप्स, माहू, इनको अच्छा कंट्रोल कर लेता है सभी फसलों में। ज्यादातर ये आप वेजिटेबल में टमाटर, धनिया, बैगन, भिंडी, ओकरा और करेला, तुरई, लौकी, ज्यादातर वेजिटेबल में इसका आप उपयोग कर सकते हो माहू, थ्रिप्स, एफिड, जेफिड की रोकथाम के लिए। और इसका डोज क्या होता है, तो दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि पौधा जैसे ही आप, जैसे टमाटर में आप स्प्रे कर रहे हो ट्रांसप्लांट के बाद 3-4 दिन बाद जैसे आपने स्प्रे किया, तो उस टाइम पर 2 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। 2 ग्राम को 15 लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे करवा दें। अब इसके बाद यदि पौधा मान लो आपका 30 से 40 दिन का हो गया है तो तब आप इसको 3-4 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों इसका 2 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक के पैक अवेलेबल हैं। 2 ग्राम के पैकेट की कीमत करीबन 25 रुपए होती है और 30 ग्राम की डिब्बी की कीमत 300 रुपए से मार्केट में मिल सकता है। थोड़ा बहुत कभी कम ज्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप इसका स्प्रे करें, यदि आप बारिश में स्प्रे कर रहे हैं तो आप स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करें। और एक बात और दोस्तों, जब भी स्प्रे करें तो सावधानी से आप स्प्रे करें, ग्लव्स पहन लें, मास्क लगा लें, तब आप इसका स्प्रे करें। और दोस्तों इसको आप कोई भी एक फंगिसाइड के साथ मिक्स कर भी स्प्रे कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना है, माहू का अटैक ज्यादा दिख रहा है तो आप इसको 4-5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से भी स्प्रे करवा सकते हो। और दोस्तों यदि आप नर्सरी में स्प्रे कर रहे हो, जैसे बीज का अंकुरण होता है उस सब के 2-4 दिन बाद आप यदि स्प्रे कर रहे हो तो 15 लीटर में इसको 1 ग्राम डालकर आप स्प्रे करवाएं। जब आपकी नर्सरी 10-15 दिन की हो जाए तब आप 2 ग्राम 15 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करवा सकते हैं, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक बात और, यदि आप एडमायर की जगह इसी का दूसरा टेक्निकल आप किसी कंपनी का यूज करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। इमीडा क्लोरोपेट 70% WG फॉर्म में यदि आपको अदर कोई कंपनी का मिलता है तो आप उनको भी उपयोग कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती हो, ऐसी कंपनी का आप प्रोडक्ट का यूज करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें नीरज बी खेती। तो दोस्तों जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो।